की बातें बंद करेंगे। कौन सा लेक्चर है जी हमारा अभी? हाँ जी मैथ्स का। प्लीज़ निकालिए मैथ्स की नोटबुक्स। A2 लेवल का ये लेक्चर है। दिस इज A2 लेवल मैथ्स। प्लीज बच्चों बातें बंद करें जी, प्लीज बातें बंद करिए। मुझे बताएं मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हमारा जो पहला सेक्शन है, सेक्शन का नाम बताइए। इट इज एलजेब्रा। और एलजेब्रा में इमरान जाके चेक करें क्या सिचुएशन है। एलजेब्रा में हम पढ़ रहे हैं पॉलीनोमियल्स। और पॉलीनोमियल्स में हमने पहले पढ़ा था क्या? बाइनोमियल एक्सपेंशन। चूंकि बुनियादी तौर पर हमारे टॉपिक का नाम क्या था? ऑपरेशंस ऑन पॉलीनोमियल्स। ऑपरेशंस ऑन पॉलीनोमियल्स में सबसे पहले आता है कि पॉलीनोमियल्स को प्लस कैसे करते हैं, फिर आता है कि पॉलीनोमियल्स को माइनस कैसे करते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर उनको डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस तो बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेशन की डिटेल में हमने एक्सपेंशन सीखी है। लाइट गई है, चलो पंखे ऑन कर दें बेटा। अच्छा, प्लस माइनस की डिटेल बड़ी आसान थी। मैं मल्टीप्लाई समझा रहा था कि मल्टीप्लाई में क्या सिचुएशन है। सर जी मल्टीप्लाई के अंदर हमें एक्सपेंशन वाली एक नई सिचुएशन का सामना था, और उस नई सिचुएशन को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कवर किया कि वो पहली टर्म को पता नहीं क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पावर चाहे नेगेटिव हो या चाहे फ्रैक्शनल हो, क्या होता है, क्या करते हैं? सर जी हम वो बाइनोमियल सीरीज़ का एक नया फॉर्मूला डेवलप किया है। क्या फॉर्मूला है? 1 + n(x) + n (n-1)/2 (n(n-1)/2 (3)/(x)³ and so on। जब हमने सारा मल्टीप्लीकेशन का काम मुकम्मल कर लिया तो हमने नई चीज़ सीखी थी, नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम गए कि हमें क्या करना है, डिविजन ऑफ पॉलीनोमियल्स करना है। तो डिविजन ऑफ पॉलीनोमियल्स हमारा इस वक्त करंट टॉपिक चल रहा है। और डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स के अंदर हम एक और चीज भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन। एलजेब्रिक फैक्टराइजेशन भी सीख रहे हैं कि सर या तो अगर तो डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दो कॉन्सेप्ट हैं, डिवाइड करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा, और क्या पता डिवाइड करने के बाद फैक्टर्स पता चल जाएं। हैं जी, जब आप पहले दो सवालों को देखेंगे जिनके अंदर क्या हो रहा था, ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स लिखे थे, वहाँ मैंने क्या किया होगा, अगर आप उनको थोड़ा सा गौर से देखें तो वहाँ मैंने ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज किया होगा, और फिर ऊपर और नीचे से कॉमन फैक्टर को मैंने क्या कर दिया होगा, काट दिया होगा। अच्छा, जब हमने क्यूबिक वाली बारी आई तो मैंने क्या किया, तो मैंने क्यूबिक वाले के केस में मैंने कहा जी मुझे तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं आती। ठीक है, हमने तो इसकी फैक्टराइजेशन कभी पढ़ी ही नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने फिर उसके लिए लॉन्ग डिवीजन करना स्टार्ट कर दी। जब हमने लॉन्ग डिवीजन की तो क्या पता चला, लॉन्ग डिवीजन के आंसर में क्या आ गया, लॉन्ग डिवीजन के आंसर में जब जीरो आ गया, मतलब रिमाइंडर में जब जीरो आ गया, तो हमने कहा वो डिवाइजर भी फैक्टर है, और जो ऊपर कोशेंट है वो भी क्या है, वो भी एक फैक्टर है। हमने डिवाइजर को भी फैक्टर बनाया और हमने कोशेंट को भी फैक्टर बना दिया। तो इस चक्कर में हमने क्यूबिक पॉलीनोमियल की क्या कर दी, हमने इस चक्कर में क्यूबिक पॉलीनोमियल की फैक्टराइजेशन मुकम्मल कर ली। कि सर
क्वाड्रेटिक का तो सारा काम हम खुद करेंगे, क्वाड्रेटिक के दोनों फैक्टर्स हम खुद निकालेंगे, लेकिन क्यूबिक पॉलीनोमियल की अगर फैक्टराइजेशन करनी है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर? एक फैक्टर हमें पता होना चाहिए पहले से, कौन सा एक फैक्टर पता होना चाहिए? लीनियर पता होगा तो क्वाड्रेटिक निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक पता हुआ तो लीनियर निकाल लेंगे। कैसे में किसी को परेशानी है? एनीवन? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, हमने कहा, हमने दो एग्जांपल शायद की थी जिसमें दो किए हैं, तीन किए हैं, कितने किए हैं? क्यूबिक वाली में, क्यूबिक वाली में पहली हमारी मिसाल थी कि 2x³ - 5x² - 8x + 15 को x माइनस 3 से डिवाइड कराएं तो क्या हुआ, 2x² + x + -5 हमारा कोशेंट आ गया, रिमाइंडर हमारा जीरो था, तो हमने कहा वो x माइनस 3 भी फैक्टर है और 2x² + x - 5 भी फैक्टर है। और उसको लिखने का क्या तरीका था, वो तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया कि p of x ऊपर था, q of x नीचे था, इधर आपने कोशेंट लिख दिया, इधर वाले को आप उधर ले गए तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑटोमेटिकली फैक्टराइजेशन होगी। सिमिलरली आगे एक और सवाल था जिसमें आपने 6x³ + 25x² + 19x - 15 को डिवाइड किया बाय 2x + 5, वहाँ पे भी कोशेंट क्या आया, 3x² + 5x - 3 एंड द रिमाइंडर वॉज क्या, इट वॉज जीरो। तो इधर वाले को उठाकर फिर उधर ले गए तो वहाँ फिर कितनी ब्रैकेट्स बन गई, दो ब्रैकेट्स बन गई। तो हमने कहा 2x + 5 इज द लीनियर फैक्टर, 3x² + 5x - 3 इज द क्वाड्रेटिक फैक्टर। किसको मसला इस बात से? अच्छा, फिर हमने एक और काम किया, फिर हमने एक और पावर 4 वाली को क्वाड्रेटिक से जब डिवाइड किया, वो जो 6x³ + x³ + 13x + 10 उसको जब हमने डिवाइड किया 2x² - x + 4 से तो क्या हुआ, तो रिमाइंडर में जीरो नहीं आया, तो रिमाइंडर में क्या आया, रिमाइंडर में 30 आ गया। जब रिमाइंडर में 30 आ गया तो एक मुसीबत हो गई, वो क्या मुसीबत हो गई सर जी, अब तो रिमाइंडर 30 है तो क्या होगा, क्या डिवाइजर फैक्टर है? मैंने कहा नहीं जी, डिवाइजर फैक्टर नहीं है। तो उन्होंने कहा सर फिर हम आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर को लिखने के लिए क्या किया गया, आंसर को कुछ इस तरह से लिखा गया, डिविडेंड ओवर डिवाइजर इज इक्वल टू क्या, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। मिसाल के तौर पर मैं जरा उसको समझाता चलूं, 6x³ + x³ + 13x + 10 होल डिवाइड बाय क्या, 2x² - x + 4। इससे जब हमने डिवाइड किया तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 3x² + 2x + 5 + -5। ये हमारे पास कोशेंट आ गया, फिर हमने कोशेंट के साथ आगे क्या किया, प्लस लिखा, प्लस रिमाइंडर क्या था, 30 को डिवाइड किया किससे, डिवाइजर से, डिवाइजर क्या था, 2x² - x + 4। ओके जी, अब ये लिखने के बाद क्लास के एंड पे किसी ने मुझसे ये वाला सवाल पूछा कि सर ये प्लस किस खुशी में है जी। मरियम क्या सवाल पूछ रही थी, उन्होंने मुझे एग्जांपल दी, कौन सी वाली, ये वाली 6 क्या 6 × 5 = 30 क्या बचा, 2 बचा। वो कहते हैं सर आप यहां पे जो 32/6 है उसको कैसे लिखते हैं, 5 2/6। कहते हैं सर ये जब हम ओ लेवल में लिखते थे तब तो हम दरमियान में प्लस नहीं लिखते थे। मैंने कहा लिखा प्लस ही होता था, है जी क्या होता था। उन्होंने कहा सर वहां तो दरमियान में कुछ भी नहीं लिखा तो यहां दरमियान में पकड़ के प्लस क्यों लिख दिया आपने। तो मैंने कहा बेटा जी वहां दरमियान में प्लस लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, ठीक वो हमने बचपन में लिखा ही ऐसे है कि हमें नजर ही नहीं आएगा। खैर बाद में भी समझाता हूँ कैसे प्लस लिखा हुआ है। सपोज करो आपको क्या लगता है, दो ऑप्शन है, किसी को लगता होगा सर जी ये ना मल्टीप्लाई लिखा है, क्या लिखा है, या तो ये लिखा हुआ है या फिर ये क्या लिखा हुआ है सर जी, या फिर ये 5 + 2/6 लिखा हुआ है। अब पता कैसे चलेगा क्या लिखा हुआ है,
इससे पहले कि मैं चेक करूं क्या लिखा है, आप मुझे बताएं आपने इसका आंसर क्या निकालना होता है, वो कैसे करते होते हैं? 6 × 5 30 + 2 32/6 ये आंसर होता है। अच्छा यहां क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, फिर इधर क्या करते हैं? प्लस, ऐसे ही है। अच्छा चलो इधर बताएं जी, इसको अगर मैं कैरी करूं तो क्या निकलेगा? 5 × 2 = 10 10/6 नहीं तो मल्टीप्लाई तो नहीं है भाई। अच्छा प्लस वाले को कैरी करें, 5/1 व्हाट इज द एलसीएम? 6 इज द एलसीएम, इनटू क्या? इनटू क्या? 5 × 6 आर क्या? 30 + 2 व्हाट इज इट? तो इसका मतलब कौन सही है कौन गलत है? जी भाई इसका मतलब ये हुआ सर, ये वाला काम बिल्कुल ठीक है और ये वाला काम बिल्कुल गलत है। तो दरमियान में क्या लिखा हुआ है? दरमियान में प्लस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जनाब? ये जो 5 × 2/6 है, याद रखिए 5 × 2/6 के दरमियान में मल्टीप्लाई नहीं लिखा था, 5 × 2/6 के दरमियान में ऑर्डिनरी लेवल में क्या लिखा हुआ था सर? 5 + 2/6 ही लिखा हुआ था, हैं जी, उसमें मल्टीप्लाई नहीं लिखा हुआ था। विच मीन्स कि आपको पेज के हेडर पे जाकर दोबारा क्या लिखने की जरूरत है? आपको पेज के हेडर पर जाकर दोबारा आई थिंक ये लिखने की जरूरत है कि जो भी डिविडेंड होता है जब उसको डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर में सबसे पहले क्या आता है? कोशंट आता है, फिर प्लस लिखते हैं। कोशंट प्लस क्या? प्लस रिमाइंडर लिखते हैं, और रिमाइंडर ओवर क्या होता है? रिमाइंडर ओवर डिवाइजर होता है। ये बात आपको सारों को समझने की जरूरत है कि जनाब जी ये जो डिविडेंड ओवर डिवाइजर का कॉन्सेप्ट है, दिस डिविडेंड ओवर डिवाइजर इज इक्वल टू क्या? हाँ जी, दिस डिविडेंड ओवर डिवाइजर इज इक्वल टू कोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर क्या? नॉट होल डिवाइड बाय डिवाइजर, ओनली रिमाइंडर को डिवाइड बाय डिवाइजर करते हैं। चूंकि जब इसको हम दोबारा प्रोसेस करेंगे, सुने जरा, इसको दोबारा अगर हमने प्लस माइनस किया तो क्या होगा? यहां ओवर 1 आएगा, इन दोनों का एलसीएम डिवाइजर आएगा, दिस इनटू डिवाइजर ये आएगा, प्लस रिमाइंडर करेंगे तो पूरी फ्रेज किसके बराबर आ जाएगी? पूरी फ्रेज डिविडेंड के बराबर आ जाएगी। जो भी है तो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं समझा चुका हूँ, बट आपने जो सवाल पूछा था होपफुली क्लियर हो चुका होगा। और अगर किसी के दिल दिमाग में कोई और सवाल पैदा होता है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन ऊंचा बोलो। हाँ हाँ आएगा, 32/6 आएगा, डालो। कहते सर जी मैंने कैलकुलेटर में अगर 5 + 2/6 डाला तो आंसर तो वो नहीं आएगा, तो फिर तो मैं मैथ्स खराब पढ़ा रहा हूँ। चेक करो भाई मेरी मैथ्स, चेक करो सही है खराब है। वो सर मैथ्स में तो नहीं आता। चलो सबर तो करो ना, उसको उसको चेक करना था, उसने सवाल पूछा उसको चेक करना था। वो कहते सर ये आंसर तो 16/3 आता है। अरे वाह, अरे क्या आंसर आता है? नहीं आप नहीं भाई, उसको चेक कराओ, शुरू से लिखो, काट के लिखो, दोबारा लिखो, दोबारा लिखो, दोबारा लिखो। हाँ जी क्या आंसर है दिखाओ। हाँ पहला आंसर, दो भाइयों ने दो गलतियां की हैं। आप बताओ भाई, वो कहते हैं सर मैंने 5 + 2/6 लिखा है तो आंसर आया है 16/3। बोल रहे हैं 16/3, इतनी बड़ी गलती है कसम से मेरी समझ से बाहर। हाँ जी तो बताओ यार क्या हो रहा है, ये 16/3 क्यों आया, 32/6 क्यों नहीं आया? और सर जी 2 × 3 = 6 = 16 है जी, तो 16/3 है। उसका सवाल फिर इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इस भाई ने जो हीरोपंती किया तो दोबारा कहा जी, इसने कहानी ही चेंज कर दी है। देख क्या लिखा था, दिखाओ दिखाओ। अच्छा ये भाई क्या करता है, उन्होंने तो कैलकुलेटर पे लिखा ही ये, जब उन्होंने ये लिखा 5 + 2/6 तो आंसर आ गया 16/3। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 लिखा है, 5 के साथ आगे कुछ भी निशान नहीं डाला और 2/6 लिख दिया है। अब कैलकुलेटर क्या कहता है, अब कैलकुलेटर कहता है 5/3 है,
अब इन्होंने क्या किया, कैलकुलेटर में अगर आप यहां पे कुछ नहीं लगाओगे तो उसका क्या मीनिंग लेगा वो? कैलकुलेटर मीनिंग मल्टीप्लाई ही लेता है, ठीक है? 10/6 करके यहां से क्या करो, नहीं 5 2 2 3 5/3। तो कैलकुलेटर में अगर आप 5 2/6 लिखते हो, वहां मिक्स्ड फ्रैक्शंस लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैलकुलेटर में अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस लिखनी है तो प्लस डाल के लिखनी है। अगर आपने कैलकुलेटर में प्लस के बगैर मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख दी तो वो उसको कैसे प्रोसेस करेगा? वो उसको तो तेरे कैलकुलेटर को कड़ी मौत पड़ी है, है? पांड्या एक काम करना भाई, इधर से ना क्या करना है, क्या करना है सर? पहले ये शिफ्ट दबाएं, फिर ये बटन दबाएं, अब लिखें 5, अब आगे क्या लिखें 2, नीचे क्या लिखें 6। नहीं नहीं नहीं, अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अब आंसर ठीक है, ठीक है जी। सुने तो गौर से भाई, कैलकुलेटर में मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का भी एक तरीका है कि जब आप कौन सा बटन चूज करें उसके अंदर क्या है वो फ्रैक्शन वाला बटन, वो चूज करके ऐसे लिखें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई ने क्या किया था, भाई ने वो चूज नहीं किया, भाई ने क्या लिखा, पहले लिखा 5 उसके बाद लिखी फ्रैक्शन। 5 फ्रैक्शन क्या, किधर लिखी थी यार, दोहरा था, मुझे तो लिखना भी नहीं आता। 5 लिखा, फिर क्या किया, फिर फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन 2/6। अरे 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 भाई साहब क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन का बटन सेलेक्ट कर लिया, ठीक, उस फ्रैक्शन में पहले कहते हैं सर मैंने ऊपर 2 लिख दिया, नीचे 6 लिख दिया, फिर कर्सर को यहाँ से यहाँ, फिर उसको यहाँ से यहाँ, फिर उसको वहाँ से वहाँ, फिर उसको वहाँ ले आए और कहते हैं सर मैंने यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। अब कैलकुलेटर वाला क्या मीनिंग लेगा इसका, इन्होंने कैलकुलेटर में ये फ्रैक्शन में लिखा है, ये फ्रैक्शन के साथ क्या किया है, बाहर लिखा है अलग से मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, कैलकुलेटर में एक बटन है जिस पर 3 विंडोज आ जाएंगी, फिर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे फिर वो उसका मतलब सही निकालेगा। ये लो जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। क्या बात है भाई, अगर आप क्या करें, अगर तो आप इस तरह का बटन दबाएं जिसमें 3 डब्बे आ जाएं, तो इन 3 डब्बों का मतलब क्या है कि क्या लिखा है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी है, विच मीन्स दरमियान में क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन अगर आप क्या करें, अगर आप ये वाले चीज फ्रैक्शन में लिखें लेकिन ये फ्रैक्शन में ना लिखें, अब कैलकुलेटर इसका क्या मतलब निकाल रहा है, अब कैलकुलेटर कहता है यार ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ये 5 फ्रैक्शन से अलग है और क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कैलकुलेटर ने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्लस के साथ प्रोसेस किया, 32/6 मतलब 16/3 आंसर आया। इधर आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं डाली, कैलकुलेटर ने इसको मल्टीप्लाई के साथ प्रोसेस किया और 10/6 या 5/3 आंसर निकाला है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सो ये ऑर्डिनरी लेवल में कहीं ना कहीं एड्रेस होनी चाहिए बात, लेकिन अगर वहाँ नहीं हुई भी तो होपफुली मैं भी समझा चुका हूँ कि मसला क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन के दरमियान में इन एक्चुअलिटी प्लस लिखा होता है, प्लीज़ उसको मल्टीप्लाई की तरह ट्रीट नहीं करना है, ठीक है? फीलिंग आती है कि सर 5 2/6 में कुछ ना लिखा हो तो क्या लिखा होता है, वैसे हमेशा कुछ ना लिखा हो तो दरमियान में क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन वो वाहिद चीज़ है कि जिसमें क्या होगा, दरमियान में कुछ ना लिखा हो तो क्या लिखा होता है, प्लस लिखा होता है, ठीक है? तो इसलिए वहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन का बटन दबाना बड़ा ज़रूरी है या दरमियान में प्लस को मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन का बटन नहीं दबाएंगे और आप दरमियान में, तो फिर आपका जो दरमियान में है वो मल्टीप्लाई कैरी हो जाएगा। किसी को मसला इस बात से? बस आई थिंक जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूँ। यहाँ से आगे चलेंगे जनाब। हमारे काम की चीज़ क्या है, छठी क्लास का मैथ्स होता है ये वाला, लेकिन वहाँ पे वाकई ये प्लस और मल्टीप्लाई मेरे नहीं खाली टीचर्स एड्रेस करते होंगे क्या दरमियान, वहाँ तो सीधे सीधे सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, दरमियान में प्लस है कि नहीं वो ये नहीं सिखाते। क्या सिखाएंगे टीचर्स, वो कहेंगे जी 5 है 2 है 6 है, क्या करना है, किसको इससे ज़रब देनी है, किसको इससे प्लस करना है, दैट्स इट। बच्चा इसी में फंसा रहता है।
उसने ये कभी भी नहीं पूछा टीचर से, सर जी इसको उससे ज़रब देनी क्यों है, फिर आंसर को इसमें प्लस करना क्यों है। बस उनको बताया जाता है भाई 6 × 5 = 30, 30 + 2 = 32, 32/6 दैट्स इट। फिर जैसे वापस जाना है, हाँ जी 32 अंदर 6 बाहर, 6 × 5 = 30/2, 2 फिर नहीं 5 किधर, 5 फिर बाहर, 2 ऊपर, 6 नीचे। अब ये नहीं बताया जा रहा कि यार दरमियान में क्या है, दरमियान में प्लस है, ठीक है। अगर दरमियान में बता दीजिए प्लस है तब भी मतलब यही निकलेगा, कैसे 5 + 2/6, तब बचेगा कि नहीं नहीं सर मैं डायरेक्ट क्यों करूं, मैं तो पूरा एलसीएम लूंगा, पहले एलसीएम लूंगा जो 6, फिर × 6 × 6, फिर 30 + 2, फिर क्या, फिर 32/6। वो हम बच्चे को मेंटल मैथ्स के चक्कर में एक्चुअल मैथ्स में से ही निकाल देते हैं। क्या मेंटल मैथ्स निकाल दिया हमने यार, एक काम करो ना ऊपर 32 बना लेना, 6 × 5 = 30, 30 + 2 = 32, 32/6। तो क्या दिमाग में क्या चल रहा है, असल में दिमाग में ऐसे में क्या चल रहा है, ये वाला इस 5 को × 6 क्यों करना है, इसको से ज़रब क्यों देनी है, वो इस चक्कर में ज़रब देनी है कि जब एलसीएम लेते थे तो दिस × 6 दिस × 6 होना चाहिए, तो इसलिए वो 30 होता है। फिर प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि है दरमियान में प्लस है तो 30 + 2 करेंगे ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही भाई, ठीक है, बड़ी कोई प्री ऑर्डिनरी लेवल की बात है लेकिन आई होप समझने वाली सीखने वाली बात। और मैं इसको कहाँ सिखा रहा हूँ, मेरे लिए कहाँ पे बात मथे लगती है कि जब हम किसी भी डिविडेंड को एलजबरा में या पॉलीनोमियल में किसी भी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, तो जब कोशेंट आता है तो कोशेंट को अलग लिखते हैं, प्लस करते हैं, और जो रिमाइंडर होता है ऊपर लिखते हैं और डिवाइजर होता है वो नीचे लिखते हैं। मुझसे जब कल उन्होंने सवाल पूछा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये सवाल इतने लाइक बच्चे ने क्यों पूछा है, ठीक है। लेकिन अब जब मैं उसको समझा रहा था तो मुझे वाकई एहसास हुआ कि नहीं यार ये वाकई सवाल तो है, ये कहीं ना कहीं तो हम मैथ्स में, अगर मैं भी याद करूं कि जब ओ लेवल पढ़ाता होता था तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डिटेल में इधर प्लस है कि मल्टीप्लस में जाते थे, वो तो सीधे सीधे 6 × 5 = 33, 33 × 2 = 32, 32 उस तरह से करके हम काम करते थे, ठीक है। 6 × 5 = 30, 30 + 2 = 32, 32/6 राइट। कहते हैं सर ये 3 × 32 क्या होता है, उर्दू में या पंजाबी में होता है भैया, ठीक है। बहरहाल क्या समझा रहा, दरमियान में क्या है, दरमियान में प्लस है। नंबर्स के वक़्त नहीं लिखा, इतना बड़ा मसला नहीं था, वहाँ लिखने का तरीका ही ये था मिक्स्ड फ्रैक्शंस को लिखने का, ठीक है। यहाँ पर एलजबरा है, यहाँ एलजबरा में क्या करना ज़रूरी है, एलजबरा में जनाब दरमियान में प्लस लिखनी ज़रूरी है, ना लिखी तो क्या करोगे पकड़ कर, अगर मैंने यहाँ प्लस ना लिखा तो क्या हो जाएगा सर, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो अगर मल्टीप्लाई हो गया तो वो तो फैक्टराइजेशन हो गई है, तो बड़ा डिफरेंट काम। नहीं भाई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई किया तो 13 × 2/2 आ जाएगा और आंसर इसके बराबर नहीं होगा भाई। ये वाला पूरा आंसर इसके बराबर कब है, जब दरमियान में, जब दरमियान में प्लस है जी। अगर दरमियान में मल्टीप्लाई आ गया तो जरा सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, बताएं जरा, अगर दरमियान मल्टीप्लाई है डिवाइजर तो ठीक है, ऊपर 13 × 3 = 90x² + 60x − 150, इधर बोले था नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो लीजिए जनाब जी, यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे दरमियान में क्या है, प्लस है जी। किसी के पास कोई सवाल है तो आप खड़ा करें, ठीक। अब आप ये सवाल ना पूछ लेना, सर पिछले पार्ट में तो आपने मल्टीप्लाई लिखवाया हुआ है, इससे पिछले सवाल में जाओ। फिजान साहब के पास एक सवाल होगा, सर आपने पिछले वाले सवाल में क्या किया है, आपने पिछले वाले सवाल को तो चेक करें, 6x³ बोलो जी + 25x² + 19x − 15 क्या, ओवर 2x + 5 का एक ही आंसर लिखा था, क्या आंसर था जी, 3x² + 5x − 3 यह आंसर लिखा हुआ था ऐसे ही। अब यहां पर ये जो 2x + 5 है, ये पूरा यहां क्या हो रहा था, डिवाइड। तो मैं इस पूरे को पकड़कर जब वहां लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, ये डिफरेंट स्टेप है, प्लीज बच्चों इसको मिक्स ना कर दीजिएगा कहीं, कि सर ये पूरी चीज वहां जाकर क्या होगी, वहां जाकर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है।
तो अब आप उधर का सवाल का प्रोसीजर और है, इधर के सवाल में साइंस और है। उधर के सवाल में क्या था, इसको जब इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या था, जीरो। सिर्फ क्या आंसर आया, कोशेंट, कोशेंट प्लस जीरो ओवर डिवाइजर। तो जीरो ओवर डिवाइजर क्या होता, जीरो होता ना, तो लिखने की जरूरत ही कोई नहीं। फिर मैंने अगले स्टेप में जाके क्या किया, ये मैं आंसर लिख चुका हूं। इसके बाद अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि सर ये 2x plus 5 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वहां जाकर जब मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ बताएं जी, अब दरमियान में क्या है, अब दरमियान में मल्टीप्लाई है। क्यों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा जी, ये लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। This into this, this into, मतलब इसकी हर टर्म को इसकी सबसे, उसकी हर टर्म को इसकी सबसे मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्टली ये बन जाएगा, ठीक है। तो वहां दरमियान में मल्टीप्लाई है, यहां दरमियान में प्लस है, तो वो अलग बात है, ये वाली अलग बात है। यहां भी अगर आपका दिल करता है सर जी इसको पकड़ के उधर ले जाए, ले जाए भाई, अगर आपने इस पूरे को उठा के उधर ले गए तो ये पूरा उस पूरे से क्या हो जाएगा, उस पूरे से जरा खा जाएगा, किसी को मसला इस बात से, और फिर क्या होगा सर जी, यही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन बारह ये दो अलग अलग बातें, इन दो बातों को मिक्स नहीं करना, ये अलग बात है वो अलग बात। इधर का मल्टीप्लाई अलग है, उधर का प्लस अलग है। जी जनाब, यहाँ तक अगर किसी के पास कोई सवाल और है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। इमरान बेटा जरा चेक करो बिजली का क्या सीन है, गई नहीं है ये तो, बड़ा ऑफ टाइम है, इस टाइम तो नहीं जाती होती। एंड पे हमने क्या किया जी, एंड पे मैंने क्लास के इख्तिताम पर एक और भी शायद सवाल लिखवाया होगा, चेक क्या जी, चेक वेदर क्या 2x² माइनस एक्स प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ क्या, 4x² प्लस 2x प्लस 5, 4x² प्लस 2x प्लस 5 को डिवाइड कराया है बाय व्हाट, 2x² माइनस एक्स प्लस 4 से। जी क्या हुआ, किससे जरूरत दी, पहली क्या थी इसकी 2x², इधर क्या है, क्या करूँ, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, 4x² माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8, ठीक है। साइंस क्या करना है सर जी, साइंस चेंज करना है, प्लस को क्या करना है माइनस, माइनस को क्या करना है प्लस, प्लस को क्या करना है माइनस, 4x² माइनस 4x² कट जाएगा, प्लस 2x प्लस 2x, दिस इज प्लस 4x प्लस 5 माइनस 8, दिस इज माइनस 3, ठीक है, प्लस 4x माइनस 3। अब एक सवाल है वैसे, 2x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4x बनेगा, हाँ जी मैंने कहीं एक नोट भी लिखवाया है कैनी साहब, नहीं मैंने पूछा तो आप अगला जवाब दें ना, आप अपनी मैथ्स निकालना स्टार्ट हो गए हैं। आप कहें सर जी जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है तो बराए मेहरबानी जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो इनवैलिड है कि आगे मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होती, ठीक है। अदरवाइज आपने मैथ्स ही निकाल दी, सर जी पता नहीं मैं करूँगा कोई 1 2 से फिर इंटू 1/x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं तो बना के छोड़ूंगा, ठीक। नहीं जनाब ऐसा ज़रूरत नहीं है, हमने कहीं एक नोट लिखा हुआ है कि क्या करें, कहाँ था जी ये बात, कहने लिखा जी रिमाइंडर की डिग्री जो है 1 less than द, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है बेटा, ढूंढ लेना है कहाँ लिखा होगा, ठीक है ये लीजिए जनाब। सो इसके जवाब को आप कैसे लिखूं, बताएं जी इसका जवाब कैसे लिखेंगे, यहाँ कौन सी चीज़ किस चीज़ से डिवाइड हो रही है, यहाँ का डिविडेंड क्या है 4x² प्लस 2x प्लस 5, डिवाइजर क्या है 2x² माइनस एक्स प्लस 4, आपका कोशेंट क्या है 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 4x माइनस 3 ओवर डिवाइजर क्या है 2x² माइनस एक्स प्लस 4, किसी को मसला इस बात से, तो याद रखिए कि दरमियान में क्या होगा, जब आप कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे तो दरमियान में क्या आएगा जी, सर जी दरमियान में प्लस आएगा, यहाँ दरमियान में माइनस कभी भी नहीं आएगा, यहाँ दरमियान में माइनस कभी भी नहीं आएगा। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए जी, किधर 4x माइनस, हाँ
इधर माइनस फोर एक्स आ जाए तो आता रहे, तो इधर आप क्या, इधर प्लस ही लिखूंगा मैं अंदर लिखूंगा माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, और वहां से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो मैं उधर अंदर वाले सारे प्लस कर दूंगा, नहीं नीचे नहीं सिर्फ ऊपर वाले, ठीक है। वो कहते हैं सर अगर ये ऐसा हुआ, सुने जरा गौर से, बंद करो यार इन वायरों को बंद किया करो भाई, कहते हैं सर ये नहीं केस, अगर ये आ गया माइनस फोर एक्स माइनस थ्री तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा पहले इधर ये लिखूंगा प्लस फिर यहाँ माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, बहुत मेरा दिल किया तो मैं आगे जाके क्या करूंगा, टू माइनस कॉमन लो अंदर फोर एक्स प्लस थ्री करो और टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर करो, मैं तब ऐसे कर लूँगा, बात समझ आएगी नहीं आ रही, लेकिन मेरा ना ही दिल करे कोई मसला नहीं, वहाँ माइनस क्या चलाए, ठीक है, दरम्यान क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। वो कहते सर अगर अगर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री हुआ तो क्या करो, करो जी माइनस कॉमन ले लो बाहर ले आओ अंदर ये भी प्लस फोर एक्स वो भी प्लस थ्री हो जाएगा, इसको मसला इस बात से एनी वन, ओके जी आगे चलो। एक और डिवीजन करते हैं जी, नेक्स्ट डिवीजन करें जी, 6x पावर 4 टू स्क्वायर, नहीं मैंने करा दिया बस वाले करा दिया, सवाल लिखे जी, सवाल लिखे फैक्टराइज कंप्लीटली, फैक्टराइज कंप्लीटली p of x equals, नहीं p of x equals 12x cube माइनस 20x square प्लस x प्लस 3, गिवन दैट 3x प्लस 1 is one of the linear factors, given that 3x plus 1 is one of the linear factors. Karen. Hurry up please. फोन करके पता करें किस टाइम आएगी बिजली, ये टाइम नहीं है बिजली के जाने का, के फैक्टराइज करने के लिए अगर कोई क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो उसको फैक्टराइज करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, क्या करते हैं जी, लॉन्ग डिवीजन करते हैं, और लॉन्ग डिवीजन हमने कैसे की है और उसके लिए क्या होना चाहिए, वन ऑफ द लीनियर फैक्टर हमें पता होना चाहिए, वन ऑफ द लीनियर फैक्टर हमें पता होना चाहिए, तो हम लॉन्ग डिवीजन करके द अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाल लेते होते हैं, बताएं जनाब क्या जवाब आता है, बाकी लोग भी कंप्लीट करें जी, बाकी लोग भी जल्दी से कंप्लीट करें, अभी जवाब तो पूरा लॉन्ग डिवीजन करें ना, मैं बताता हूँ क्या करना, कर लिए कहते हैं सर जी लॉन्ग डिवीजन हमने किया तो क्या आया, ऊपर क्या आया जी 8x प्लस, और यहाँ क्या आ गया था एंड पे, आंसर जीरो आ गया, अगर एंड पे जीरो आ गया तो अब मैं लिखूंगा कैसे, सुनो जरा गौर से, 12x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस थ्री को जब मैंने क्या किया, 3x प्लस 1 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया है, 4x माइनस 8x प्लस 3। प्लस कोई रिमाइंडर है? प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर वाली कोई सिचुएशन है? नहीं है। तो अब क्या करूं फिर? यह जवाब आ गया। इधर वाले को उठाकर क्या करें, उधर लेके जाए 3x प्लस 1 इंटू क्या, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करें, एनीवन। हाँ जी, अब एक और चीज़ भी है, मैंने ऊपर लिखा है फैक्टराइज कम्प्लीटली, क्यों नहीं फैक्टराइज, बल्कि काम करें, एक दो पेजेस पीछे जाएं, एक दो पेजेस पीछे जाएं, वहाँ पे जहाँ चल रहा था फैक्टराइज कम्प्लीटली, उस सवाल पर ना उसमें ना वर्ड कम्प्लीटली काट दें। क्यों? क्योंकि सर वहाँ तो मज़ीद कुछ होती नहीं है, ठीक है, यहां मतलब समझ आएगा कि क्या मतलब है फैक्टराइज कंप्लीटली का, बिकॉज 3x प्लस 1 इज द फर्स्ट लीनियर फैक्टर, दिस इज द क्वाड्रेटिक फैक्टर, दिस, एक सेकेंड, ये क्या थी, दिस इज कौन सा फैक्टर, व्हाट इज दिस, दिस इज क्वाड्रेटिक फैक्टर, दैट कैन बी क्या, आई थिंक 4 3 12, 12 का पेयर क्या बनता है, 6 और 2 भी बनता है, ठीक है, दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर कैन बी फैक्टराइज्ड फर्दर बाय व्हाट, बाय मिड टर्म ब्रेक, ठीक है जी, करें बता इसको 3x प्लस 1 को बाहर रखें, अंदर जी 4x स्क्वायर, क्या पेयर बनेगा, माइनस 6x माइनस 2x प्लस क्या 3, करें इसको आगे कैरी, क्या कॉमन है इसमें 2x पीछे 2x माइनस 3 माइनस 1 2x माइनस 3 फिर 3x प्लस 1 इंटू क्या 2x माइनस 3 कॉमन है फिर 2x माइनस 1। सो ये मीनिंग है किस बात का, फैक्टराइज कंप्लीटली करने का। अल्लाह अकबर, यहाँ पे जाकर मैथ्स के लेक्चर का इख्तिताम होता है, ठीक है जी, ये काम करें भाई।